विश्व पर्यावरण दिवस से एक दिन पहले विभिन्न संगठनों ने कांके डैम से लेकर हरमू नदी तक पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा के माध्यम से रांची शहर के जलाशयों को बचाने और सही तरह से रखरखाव की मांग की गई। पदयात्रा कर रहे लोगों ने बताया कि हरमू नदी, बड़ा तालाब और कांके डैम के आसपास अतिक्रमण हो जाने की वजह से जलाशयों का नेचुरल फ्लो बंद हो गया है। कांके डैम का पानी काला हो गया है, जबकि बड़ा तालाब का पानी इतना दूषित हो गया है कि लोग सांस तक नहीं ले पा रहे। वहीं हरमू नदी नाले में तब्दील हो गया है। इस पदयात्रा में शामिल झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता खुशबू कटारुका ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी बड़ा तालाब की साफ सफाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीरता नहीं दिखाती है, तो लगातार इस मुद्दे को उठाया जाएगा। वहीं इस पदयात्रा के संयोजक अमृतेश पाठक ने कहा कि शहर के सैकड़ों तालाब लुप्त हो गए, लेकिन जो तालाब बचे हुए हैं उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। चूंकि हाईकोर्ट ने अभी ये याचिका को डिस्पोज किया था और ये निर्देश दिया था नगर निगम को कि ये जो हम लोग याचिका डिस्पोज कर रहे हैं एक निर्देश के साथ कर रहे हैं कि जितने भी जलाशय हैं उसके पानी को साफ किया जाए, उसमें जो भी सॉलिड वेस्ट जाता है, कचरा जाता है, पॉली बैग, वो सब को हटाया जाए और दूषित होने से बचाया जाए। बट जब से ये याचिका डिस्पोज हुई है हमने देखा है कि सारे काम रुक गए हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने की बात ही बड़ा तालाब में आज 2 साल हो गया है, कभी मॉनसून का बहाना, कभी कोई और बहाना करके उसको भी स्लो किया जा रहा है। तो आज के डेट में हर यहाँ पे जो जलाशय है, आप हरमू नदी को देख सकते हैं, एक नदी के नाम पे ये सिर्फ एक नाला बन के रह गया है। तो जब तक हम लोग नाली के पानी को, जैसे कि बड़ा तालाब है, हरमू नदी है, कांके डैम है, नदी का पानी को जाना बंद नहीं करेंगे तो ये एक पूरा दूषित पर्यावरण यहाँ पे बन गया है। कल 5 जून है, पर्यावरण दिवस है, तो उसी के हम लोग पर्यावरण दिवस को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग सब यहाँ पे जुड़े हैं। निगम को और सरकार को, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को हम लोग एक ये देना चाहते हैं मैसेज कि अगर आप इस मुद्दे पे सीरियस नहीं है तो हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और प्रेशर बनाते रहेंगे, और अगर आपने कोर्ट के निर्देश को नहीं माना तो हम आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट पिटिशन भी करेंगे ताकि आप सारे निर्देश को पालन करें और सारे जलाशय को स्वच्छ करें। तो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे नदी को नाला बनाया गया है। योजनाबद्ध तरीके का मतलब यह हुआ कि इसकी चौड़ाई को 40 फीट से 8-10 फीट पर ला दिया गया, इसलिए ताकि लोगों को बसाया जा सके। ये प्लांट वे में वोट पॉलिटिक्स था ये सब, चाहे वो कांके डैम का किनारा हो, चाहे बड़ा तालाब का किनारा हो, या फिर हरमू नदी का किनारा हो। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के प्रदूषण का यदि कोई चीज़ है तो वो है इंक्रोचमेंट। इतना ज़्यादा उसके इर्द गिर्द में इंक्रोचमेंट है कि जो नेचुरल फ्लो था पानी का वो बंद हो गया। तो प्रदूषण और अतिक्रमण, ये दो हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर के हम लोग पिछले कई सालों से संघर्षरत रहे हैं। कांके डैम संरक्षण समिति, बड़ा तालाब बचाने के लिए यहाँ पर, खुशबू जी का तो पहले से मालूम है आप लोगों को, PIL चलता है यहाँ पर। पब्लिक ने अब आवाज़ उठानी शुरू की है क्योंकि उनको ज़रूरत महसूस होना शुरू हो गया है। हम लोग कांके डैम के इर्द गिर्द रहते हैं, काला पानी है। बड़ा तालाब के इर्द गिर्द पार होने लगे तो नाक नहीं दिया जा रहा था। हरमू नदी के इर्द गिर्द में आप सारा स्थिति, यदि इतना अंधा बहरा और बेवकूफ़ जैसा सरकार होगा, प्लानिंग होगा, तो फिर तो हम लोग इसी स्थिति में रहेंगे। तो क्या 2-3 जो बचे हुए हैं, एक तो सैकड़ों तालाब को इन लोगों ने समतल कर दिया, उस पर बिल्डिंग बना दिया, जो भी है, अब जो बचे हुए हैं कम से कम ये बचे, ये हमारे प्राथमिकता में है। हमारा नैतिक जिम्मेवारी बनता है जनता होने के नाते कि हम आवाज़ उठाएं। मेरे शक्ति में वही है कि हम प्रदर्शन करेंगे, पदयात्रा करेंगे, धरना देंगे, यही करेंगे ना भाई। हमारे पास पैसा तो नहीं, हमारे पास बजट तो नहीं है,